दोस्तों आज हमारे पास एक स्पाइस का टावर आया है और इसकी जो प्रॉब्लम मैं आपको बता दी पूरी तरह से डेड कंडीशन में। कस्टमर का कहना है कि ओवर वोल्टेज हो गया, तो उस कारण से क्या डैमेज हो गया। तो ठीक है, इसे हम अपने हिसाब से एक बार बोर्ड में लगाकर देख लेते हैं। देखिए हमने इसे बोर्ड में लगा लिया है तो हमें इसमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसमें कोई लाइट ही नहीं आ रही। फिर भी एक बार हम पीछे स्विच चेक कर लेते हैं तो ये रहा इसका ऑन ऑफ का स्विच, देखिए ऑन ही है। फिर भी हम इसे एक दो बार दबा कर देख लेते हैं, देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे हम निकाल लेते हैं बोर्ड में से। तो अब इसे हम अपने हिसाब से चेक करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी मोड में सबसे पहले हमें पावर कार्ड में रीडिंग चेक करनी है कि यदि रीडिंग आ रही, देखिए नंबर कुछ बता रहे हमारे, अगर इसमें रीडिंग आती है तो इससे ये पता कि हमारे ट्रांसफार्मर और कार्ड सही है। अगर हमें कोई रीडिंग नहीं मिलती, जैसे देखिए हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही, तो इससे ये पता चल या तो ट्रांसफार्मर खराब है या हमारी कार्ड है। ठीक है, ये दोनों सेक्टर में एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें कोई रीडिंग नहीं मिली, यानी पक्का हो गया कार्ड हमारी मेन कार्ड खराब या फिर ट्रांसफार्मर खराब है। तो ठीक है, खोल लेते हैं। तो इसे हमने खोल लिया है और जो हमारी मेन कार्ड है जो ट्रांसफार्मर से जुड़ी है उसे हमने काट दिया है, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्टिन्यूटी कुछ भी नहीं बता रहा था, तो इसलिए हम मेन कार्ड को सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये जो हमारे दोनों मेन कार्ड के थोड़े वायर थोड़े सही कर लेते हैं और इन दोनों को वायर को हम दूसरे में टच कर देते हैं और फिर हमारे मीटर से कॉन्टिन्यूटी मोड में इसे हम बीप में चेक करेंगे। अगर रीडिंग मिलती है तो हमारी कार्ड सही है। तो लगाते हैं, ये रही हमारी मेन कार्ड का पावर की है स्विच और इसमें हम चेक करते हैं। मीटर कंटिन्यूटी मोड में हमने सेट कर रखा है तो ये देखिए हमें रीडिंग मिल रही है। अब जो हमारी ये है मेन, इसे चेक करते हैं, ये देखिए हमें रीडिंग मिल रही है, यानी हमारी जो मेन कार्ड पावर कार्ड है हमारी वो एकदम ओके है। देख लीजिए, अब रह गया अब हमारा ट्रांसफार्मर, इसे चेक करते हैं। थोड़ा टर्न आपको ठीक दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा मैं मीटर को इधर सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये हमारे ट्रांसफार्मर की कार्ड, तो देखिए हमें इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से खराब है। तो ठीक है, इसे हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से जला हुआ है। तो ठीक है, इसकी जगह हम दूसरा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से काट लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके तार बहुत लंबे लगते हैं। तो ये देखिए सेम ट्रांसफार्मर है 12012 का, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा वो 12012 का ही लगा, तो सेम वही ट्रांसफार्मर है। तो ये जो हमारे रेड वायर है एसी के और ये तीन वायर ये हमारे आउटपुट वोल्टेज के हैं 12012 के और एक ग्राउंड है। तो ठीक है, इसके फटाफट वायरिंग के कनेक्शन कर लेते हैं इसमें। और ये ट्रांसफार्मर हमारा 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं, अब वक्त है इसमें मेल लेन देने का, पर उसके पहले हमारे एक ऐसी जली उसे भी लगा लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारे इनपुट के जो मेन वायर है तो हम इसे बाहर से हमारे पास मेन कार्ड है उसी से लगाते हैं, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा फालतू, तो हम इधर से ही चेक कर लेंगे। पर उससे पहले हमारी एक आईसी भी डैमेज है, उसे भी हमें लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सोल्डिंग कर लेते हैं मेन कार्ड की, देखिए इस तरह सबको सोल्डिंग अच्छे से कर लेनी है। और जो हमारी अब आईसी है बेच दीजिए डीजल, इसे भी निकाल कर दूसरे रिप्लेस कर देते हैं। इसे फटाफट खोल लेते पहले, ये रही वो ऐसी डैमेज।
तो ये रही हमारी वो डैमेज आईसी, और इस पे जो नंबर लिखा है देखिए ध्यान से, ये इस पे 20-30 लिखा है। खैर आपको सारा ढंग का नहीं दिख रहा हो क्योंकि ब्लास्ट हो चुकी है, तो अब इसे हम क्लीन कर लेते हैं और सेम आईसी उसी नंबर के हम यहाँ पर लगा देंगे। तो फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं और देखिए इसकी एक तरफ साइड से प्रिंट डैमेज है, तो यहाँ पर हम थोड़ा घिस लेंगे और यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, एक जंपर मार देंगे ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो जाए। इस तरह से आपको जंपर मारना है ताकि ये सोल्डिंग एकदम ओके हो जाए। तो ठीक है, हो गया एकदम कम्प्लीट। अब वक्त से टेस्ट करने का, 10 मिनट आ चुके हैं। ये ब्लूटूथ बोल रहा है, इसे कनेक्ट करते हैं। हियर्ड हो गया, ये देखिए मेरे दिल पे सिंचाई तू तुझ में समाई बन गई मेरी खुदाई। तो ये हमारा टावर एकदम ओके हो गया है, तो आप इस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हो। देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर खराब था और इसकी जो एक आईसी थी 20 थी, ये ब्लास्ट हो गई। देखिए क्या होता है कि हाई वोल्टेज जब भी होते तो इस कंडीशन में क्या ट्रांसफार्मर और आईसी डैमेज हो जाती है। तो आप इसे बड़ी आसानी से अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं इन चीजों को चेक कर। जो तरीका है बस उसे सही तरीके से आप कभी यूज करोगे तो आराम से इसे चेक कर सकते हो और घर पर ही बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।